हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत दो रंगों की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप दो कलर मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं और 5 फंदा एक्स्ट्रा रखना है। यानी 8 के हिसाब से आप फंदे लेंगे, 8 के गुणे के हिसाब से, और उसमें 5 फंदा आपको एक्स्ट्रा रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने फंदे डालने के बाद 3 से 4 सलाई यहाँ पे बॉर्डर के रूप में मैंने ये बना लिया है, ठीक, दोनों साइड से उल्टा उल्टा। अब देखिए, यहाँ पे हम सेकंड कलर लेंगे, पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले, आप लोग देख लीजिए पिंक कलर को हमने जोड़ना कैसे। यहाँ पे देखिए, हम एक ऐसे कोन में, ये देखिए ब्लैक कलर से हमने यहाँ पे ऐसे, अरे सॉरी, ब्लैक कलर के ऊन में ऐसे आप जोड़ेंगे ताकि ये हमारा ऐसे देखिए यहाँ चाहे जहाँ स्लिप हो जाए, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ठीक। पहले फंदे को स्लिप किया, अब यहाँ पे हम 3 फंदे सीधा बनाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको हम अभी इधर करेंगे। 3 फंदे हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 1 2 3, ठीक। 3 फंदा हमने यहाँ पे सीधा बनाया। अब देखिए, जो हमने धागे को यहाँ पे बांधा था ना, आप चाहें तो जैसे आप मतलब दूसरे कलर को जोड़ते वैसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे आप जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम यहाँ पे पिंक कलर को आगे की साइड लाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, एक फंदा स्लिप किया, 3 सीधा बनाया, फिर हमने यहाँ पे पिंक कलर को आगे लाए। हमने यहाँ पे देखिए, जैसे ऊन में बांधा था, आप भी ऐसे बांध लें। अब ऊन को आगे लाएंगे, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे पिंक कलर को, ठीक। अब हम ब्लैक कलर से 5 फंदे को सीधा बनाएंगे। 5 फंदे को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने यहाँ पे सीधा बनाया, ठीक। अब इस ऊन को, जो हमने ये पिंक कलर के ऊन को आगे किया है, इसको अब हम ऐसे पीछे कर देंगे, ठीक। ध्यान दीजिए, ऐसे हमने इसको पीछे किया। अब यहाँ पे हम इसको हम पीछे भी रखेंगे। अब ब्लैक कलर से हम 3 फंदे बनाएंगे, ठीक है। इस वाले फंदे को थोड़ा सा आपने लूज रखना है, ये पिंक वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, ये देखिए 3 फंदे बनाए। अब फिर से हम पिंक कलर के ऊन को आगे की साइड लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमने आगे लाए, इसको भी हम आगे छोड़ेंगे। अब सेंटर में हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5, देखिए यहाँ पे हमने 5 फंदे, 2 2 4 1 5। अब फिर से हम पिंक कलर के धागे को पीछे करेंगे, ठीक। पिंक कलर के धागे को पीछे किया, अब यहाँ पे हम देखिए बीच का हमें जो गैप में रखते हैं 3 फंदे, उसको बुनेंगे यहाँ पे 3, ये देखिए। तो आप लोग भी जब डिज़ाइन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में 1 फंदे स्लिप करके 3 फंदे बनाने हैं, फिर धागे को आगे करके 5 फंदे बनाना है, फिर बीच में 3 फंदे का गैप देना है, ठीक है। फिर 5 फंदे बुन के पिंक वाले को उधर करना है, फिर बीच में देखिए 3 फंदे का गैप करके फिर आप ऊन को आगे लाएंगे, फिर 5 फंदे बुन के फिर लास्ट में हमारे यहाँ पे, ये देखिए, इसको एज स्टिच के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया है, ये एज स्टिच के लिए, ठीक है। ऐसे देखिए, 3 फंदा ये है, अब 3 फंदा इधर भी, ये 2 फंदा एक्स्ट्रा है। अब आ गए हैं बैक साइड। अब देखिए, पीछे की साइड से हमने क्या करना है, पहले फंदे को ऐसे उतार लेना है, ठीक है। अब देखिए, 1 2 3, उतारने के बाद 3 फंदे हमने बुना। अब देखिए, पिंक कलर के धागे को हम देखिए ऐसे पीछे कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। पीछे किया, अब यहाँ पे सेंटर में हम 5 फंदे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 उल्टा उल्टा, 3 4
पांच, ये देखिए पांच फंदे बनाया। फिर इधर से ही हम इसको ऐसे इधर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे दो बार हमने ये लपेट लिया, दो बार आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम बस जैसे हमने आगे की साइड बुना था वैसे ही बुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सीधा सीधा उल्टा उल्टा बना। अब सेंटर में हम देखिए यहाँ पे तीन फंदे का गैप देंगे, दो और तीन। फिर से हम पिंक वाले ऊन को आगे की साइड ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे दो बार हमारा बना, अब इसको आगे की साइड ले जाएंगे। अब देखिए हम बस आगे की साइड ले जाके हम छोड़ दिए। अब यहाँ पे पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बना लिए। अब देखिए इस वाले धागे को हम ऐसे आगे कर लेंगे। ये देखिए दो बार लपेट हो गया हमारा। अब लास्ट में जो हमारे चार फंदे हैं उन चार फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे एक दो, एक दो, दो बार हमने ये हो गया। अब फिर से यही हम रिपीट करेंगे। पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। देखिए अब यहाँ पे हम तीन फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। उनको अपनी साइड लाएंगे पिंक कलर के। ये देखिए पांच फंदे सीधा, एक दो तीन चार पांच। फिर से इसको हम देखिए ऐसे पीछे करेंगे। सेंटर में तीन फंदे का गैप, एक दो तीन, तीन फंदे का गैप। फिर से इसको आगे की साइड लाएंगे उनको। अब यहाँ पे हम पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बुना। फिर से इसको हम ऐसे पीछे करेंगे। लास्ट के हमने चार फंदे को सीधे बुन लेना है। आप जब आठ के हिसाब से फंदे रखेंगे, पांच फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे तो अपने आप ये डिज़ाइन बनती हुई चली जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने दो डिज़ाइन बनाई है सिर्फ, ऐसे ही आपने सारी डिज़ाइन बनानी। अब देखिए फिर से हम पीछे की साइड से यही करेंगे। यहाँ पे हम एक फंदे स्लिप किए और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम पीछे करेंगे पिंक वाले को। यहाँ पे हमने ये देखिए स्टार्टिंग के चार फंदे बना के पिंक वाले को पीछे करेंगे धागे को। यहाँ पे अब यहाँ पे हम पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बनाने के बाद फिर इसको हम देखिए ऐसे पीछे की साइड लाएंगे। अब सेंटर में हमारे तीन फंदों का गैप है, देखिए एक दो तीन, तीन फंदे का गैप है। फिर से अब हम इस वाले धागे को ऊन को पीछे की साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पे पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर से हम अब इस ऊन को इस साइड से इधर लेते आएंगे, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे चार फंदे हम उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब देखिए ये हमारा चार बार बन के आया है। ये देखिए एक दो तीन चार, ठीक है। अभी हमने ये टोटल हमारे धागे छः धागे बनने चाहिए, ठीक। तो चलिए एक बार और हम ये बना लेते हैं आगे की साइड से और फिर बैक साइड से, फिर आप लोग को बताते हैं। सेम ऐसे ही आपने एक बार और बनाना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए बना के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये हमारी 6 बार बनी हुई है, 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब क्या करना है, ठीक है। हम आगे की साइड से पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। यहाँ पे पहले हम 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, ठीक, 3 फंदे बनाए। अब देखिए जो सेंटर में हमारे 5 फंदे का गैप था, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे का गैप है ना पिंक वाले धागे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए पहले हम 2 फंदे बुनेंगे सिर्फ, 1 2, ठीक, सिर्फ हमने 2 फंदे बनाया यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 2 फंदे, ठीक, सेंटर में हमारे ये मतलब 5 फंदे, तो 2 इस साइड कर देंगे, 2 इस साइड, सेंटर का जो फंदा है उसी से हमने ये अब बनाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हमने देखिए यहाँ से ऐसे डालना है, अब पिंक कलर को अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये जो बीच वाला फंदा है उसको देखिए हमने कैसे करना है, ये देखिए ऊन को हम देखिए, अरे सॉरी, सलाई को हम इसको अंदर से ऐसे देखिए नीचे की साइड से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे इन 6 लूप के अंदर से हमने ऐसे ये सलाई देखिए डाले। अब इस फंदे को देखिए हमने क्या करना है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ध्यान से देखिए आप लोग, अब देखिए इसको ऐसे, ठीक है। अब इस फंदे को हम पिंक कलर से बनाएंगे, ये देखिए, ठीक। अब क्या करना है, हमने देखिए ब्लैक वाले से 1 2 3 4 5, 2 फंदे इधर का था, 3 जो गैप का था, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए जो 5 फंदे है, तो 2 फंदे हम सीधा बनाएंगे, 1 2, फिर से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम देखिए सलाई को ऐसे, ये देखिए नीचे से ऐसे हम सभी लूप में, ये देखिए हमारा लूप आगे पीछे ना होने पाए। फिर से इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे, ठीक, इस फंदे को उतारने के बाद ये देखिए इसको हम ऐसे लाएंगे, और सलाई पे हमने इसको ऐसे चढ़ा दिया, और यहाँ पे इसको हम पिंक कलर से बनाएंगे, ये देखिए। बाकी के फंदे को हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, पीछे की साइड अब हम आ गए हैं, तो पीछे की साइड से देखिए क्या करना है, देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारी बटरफ्लाई की तरह डिज़ाइन बन के आई है। तो देखिए पीछे की साइड से अब हमने सभी फंदे को यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे, ठीक। पहले फंदे को तो हमने उतार लेते हैं, अब यहाँ पे हम जो जिस कलर से बनाया उसी कलर से हम बनाएंगे, लेकिन उल्टा उल्टा बनाएंगे, सॉरी ये स्लिप हो गया, ये जो हमारा पिंक कलर का है देखिए, इसको ऊन को क्रॉस करके इसको भी ऐसे पिंक कलर से उल्टा बुन लेंगे, ठीक। बाकी के फंदे को अब हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही हमारी डिज़ाइन ये रिपीट होते हुए जाएगी। अब ऊपर हम 3 से 4 सलाई का गैप देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिंक कलर का है, इसको हम पिंक कलर से बना लेंगे, बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फ्रंट साइड आ गए, यानी आगे की साइड, तो कितनी खूबसूरत ये हमारी डिज़ाइन बन के आई हुई है। आप लोग भी ऐसे बनाएं। अब आपको क्या करना है, पूरी फंदे को हम
यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाएंगे, यानी काले रंग से हम पूरे फंदे को बनाएंगे। 2 से 3 लाइन हम बनाएंगे, जितना जैसे हमने यहाँ पे गैप दिया है 3 से 4 सिलाई की, और ऊपर फ्रंट सिर्फ बना के फिर से हमारे यही डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।